भारत सरकार अपने पड़ोसी देश मालदीव को आपातकालीन आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। मालदीव पर इस समय सुकुक डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है और भारत एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार मालदीव भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत $400 मिलियन का तुरंत लाभ उठा सकता है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर का ये कहना है कि चाहे जितना भी बेड़ा गर्क हो मालदीव्स की इकोनॉमी का, मालदीव्स जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मालदीव्स के लिए ये आसान है कि चीन से पैसा ले ले, उसके लिए आसान है कि भारत से भी पैसा ले ले। वहाँ पे प्रॉपर ये कैंपेन चल रही है इंडिया इन IMF आउट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव्स का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। मोइजो का एहसास तो नहीं हो गया कि यार इतना बड़ा हमारा दोस्त मुल्क, इतना बड़ा हमारा नेबर यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इनका एक इतना बड़ा हमसाया है तो एक इतने अच्छे और वेल्दी हमसाये के साथ आप अगर ताल्लुकात खराब रखेंगे तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत। मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा है। आप किसी भी पूरी पूरी दुनिया के अंदर अरब में भी चले जाएंगे ना, मैं भी रहा हूँ उधर, मुझे भी पता है उनके अंदर कितना जज्बा है। पाकिस्तानियों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से खुदा जाता है कि उनके अंदर जज्बा बहुत है। इस्लाम का बात कर लें किसी मतलब के पहले हाँ, बल्कि प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। जज्बा हमें नजर क्यों नहीं आता हमारी इकोनॉमी में, वो जज्बा हमें हमारी लिटरेसी में क्यों नहीं पता चलता, वो जज्बा हमारे ग्रोथ में हर चीज में क्यों नहीं नजर आता। जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमने किसी को तबाह करने के लिए, लड़ाई के लिए वो यूज करना, जज्बे का हम डाइवर्ट क्यों नहीं करते। आपने मंदिर की बात की, क्या आप माइनॉरिटीज को इजाजत नहीं देते कि वो इबादत करें? यार आप जहाँ पे इस्लाम नाफिज है, मेरे नबी का मुल्क है, इस्लाम ने मना किया कि किसी माइनॉरिटीज को उनकी इजाजत न दो। सरकार आप क्यों उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तबलीग कर लें भाई, जब आप पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान तबलीग कर लें, सुन लें सुन लें, तबलीग क्यों नहीं कर लें? सुन लें ना, सुन लें, वो आपकी बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद करा दे, आप मंत्री बना आप में और उनमें क्या फर्क पड़ा? आप तो कहते हो हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम ही हैं, हम दुनिया में अफजल हैं सबसे। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था, हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए, स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। तो बांग्लादेश में मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो बांग्लादेश फिर उसी टके पे आ जाएगा और फिर हम यही कहेंगे भाई अब तो टका भी हमसे गया गुजरा। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। बांग्लादेश वालों को चाहिए कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर ले मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही, जाके उनको बेल आउट कर रहा है इंडिया, इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से, ये हालात है मां। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मालदीव चाहे किसी भी स्थिति में हो जाए हम लोग IMF से लोन नहीं लेंगे, हम लोग भारत या चीन से लोन ले लेंगे। मालदीव यह सोच रहा है कि भारत से लोन लेने पर वह प्रेशर में नहीं आएगा तो यह गलत सोच रहा है। IMF भी अपनी शर्तों के साथ किसी डिफॉल्ट देश को लोन देता है, कई देशों ने तो IMF की शर्तों को मानने में पसीने छूट जाते हैं। हाल ही के दिनों में मालदीव ने चाइना से पैसे लिए थे, वो उसके पैसे नहीं दे पा रहा था तो चाइना ने मालदीव के 36 छोटे आइलैंड लीज पर ले लिए। चाइना इसी तरह छोटे देशों को लोन देता है और अपने जाल में फंसाता है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ा लोन दे देता है जो छोटे देश को लोन चुकाने में बहुत आसानी नहीं हो पाती और चाइना उस देश के साथ अपनी मनमानी करता है। चाइना हमेशा अपनी कठिन शर्तों के साथ लोन देता है, भारत हमेशा किसी देश को मदद के पर्पज़ से लोन देता है। मालदीव को भारत ने जब भी लोन दिया है मदद के लिए ही दिया है, मालदीव भारत को अब आंखें दिखाने लग गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव का यह कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। जैसे मालदीव से खबर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव की इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जी, वो देखें जी, एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहे हैं,
हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा, ऐसे कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा, क्योंकि हमारी नस्लों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और जो हमारे यंगस्टर है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, ईमानदारी से बताना, माइंड में आता है कि यार पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाएं, कनाडा जाएं? यही रोजाना 50,000 पासपोर्ट बन रहे हैं, अब हर स्टूडेंट यही चाह रहे हैं कि बाहर किसी तरह चला जाए। ठीक है, इसमें भी क्राइसिस आए, ये भी इसी खिते का है, उधर भी क्राइसिस आए, उनके ऊपर किसी ने सवाल पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप IMF के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया है, हम उनसे हेल्प ले लेंगे, बिजनेस हम करेंगे उनके साथ, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव अगर ये सोच सकता है कि इंडिया से हेल्प ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम क्यों नहीं सोच सकते? सर हम लोग ना हमारा माइंडसेट ही बन गया है कि हमें जरूरत पड़ेगी। हम हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही, जाके उनको बेल आउट कर रहा है इंडिया से, इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है, $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से, ये हालात है मालदीव। क्या नहीं था, तमाम चीजें खाने पीने की अशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी, अगर ये इंडिया के नहीं बने हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे तो दूसरी तरफ कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान है, तो उन्होंने अब उसी कंट्री का चूज करना है जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। अगर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर देता कहीं ना कहीं, चले मान लिया के एंथम लगा दिया, अपनी करेंसी इनको इशू कर दी, कल को ये मुकर गए फिर क्या करेंगे? बांग्लादेश का इस वक्त इंडस्ट्रीज में बहुत एक नाम है बाहर, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस वक्त बांग्लादेश उसमें जो है ना टॉप के ऊपर जा रहा है, और ये सारी सपोर्ट अगर ओवरऑल उनकी इंडिया की तरफ से रही है तो ये एक सिर्फ, मैं आपको पहले भी कहा है कि ये सिर्फ एक जो है ना जज्बाती जो है ना वो आप कह रहे हैं इजहार ख्याल है, और इस तरह की प्लानिंग है उनकी, और ये नेशन लेवल के ऊपर ये किसी भी पूरी दुनिया के अंदर अरब में भी चले जाएंगे ना, मैं भी रहा हूँ उधर, मुझे भी पता है उनके अंदर कितना जब है। पाकिस्तानियों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से खुदा जाता है कि उनके अंदर जज्बा बहुत है, इस्लाम का बात कर लें किसी मतलब के पहले का, हाँ बल्कि प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए उनको, ये नहीं है कि उनको थोपा जाए और जो एक मतलब के एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो थे जो थाट्स हैं स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो समझ आ पाजी, वो अल्लाह ताला ने इस तरह कहीं भी नहीं फरमाया इस तरह का, जिस तरह का ये इस्लाम जो उनसे बोल एक मुल्लाइज्म है या जो भी चीज़ उसे तीसरा, वो अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। सर वो जज्बा हमें नज़र क्यों नहीं आता हमारी इकोनॉमी में, वो जज्बा हमें हमारी लिटरेसी में क्यों नहीं पता चलता, वो जज्बा हमारे ग्रोथ में हर चीज़ में क्यों नहीं नज़र आता, जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमने किसी को तबाह करने के लिए लड़ाई के लिए वो यूज़ करना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।